ना करना लाइट माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट वकार अंसारी। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद अशरफ भट्टी साहब की छत पे, जो कि शागिर्द हैं उस्ताद वर्ल्ड फेमस उस्ताद चुनी सकी मोहम्मद भट्टी साहब के। ये माशाल्लाह जी इनका छठा कबूतर बैठ रहा है, छठा कबूतर माशाल्लाह। और पिछली परवाज भी इनकी माशाल्लाह रिकॉर्ड परवाज रही है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उस्ताद अशरफ भट्टी साहब ऑफ कसूर अलमरूफ फोके सिनारा, माशाल्लाह जी देखें दोस्त, शौक करें दोस्तों, कभी कभी ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं। माशाल्लाह जी ये बैठ गया माशाल्लाह जी, क्या बात है। 650 माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी आसिम राणा साहब वो शेख मुंडू साहब के अभी मुझे रिपोर्ट नहीं है, इंशाल्लाह वो कंफर्म करके लाजमी आप सब दोस्तों को अपडेट कर दूंगा। कबूतर भी आ गया सामने, अंदर कर अंदर जी। तो नाजरीन माशाल्लाह जी माशाल्लाह, उस्ताद अशरफ साहब का उस्ताद अशरफ अलमरूफ फोके सिनारा साहब का कबूतर बैठा है अभी 6:50 पर माशाल्लाह जी, छठा कबूतर बहुत ही शानदार कबूतर बैठा माशाल्लाह। जी जी उस्मान भी बता रहा हूँ कि 6:50 पर बैठा है। ये रियाज भाई कबूतर को उतार रहे हैं इस वक्त, ये देखे माशाल्लाह जी ये कबूतर अभी बैठा है माशाल्लाह 6:50 पर। कौन सा कबूतर बैठा है, बंद नहीं किया वो सामने बैठा है ना वो
बस बस सीख रहे हैं भाई माशाल्लाह जी। ये उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी ऑफ कसूर का कबूतर बैठा है अभी 6:50 पर माशाल्लाह जी। बहुत ही शानदार परवाज दी इस कबूतर ने और पिछली परवाज भी माशाल्लाह उस्ताद अशरफ की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। एक माशाल्लाह इनका कबूतर सादा कबूतर भी आया हुआ ऊपर, वो भी इंशाल्लाह ताला बैठ जाएगा। माशाल्लाह जी देखें दोस्तों शौक करें कबूतर का माशाल्लाह जी बहुत ही शानदार माशाल्लाह जी। उस्ताद अशरफ साहब का छठा कबूतर 6:50 पर बैठा माशाल्लाह जी, रिकॉर्ड परवाज है, बहुत ही शानदार परवाज है माशाल्लाह। और दोस्तों एक बार जरा वीडियो और आवाज के बारे में बता दीजिएगा। जी लाहौरी लाहौर पिजन से ब्रदर, अभी तक मैंने वो वहाँ से अपडेट नहीं ली, इंशाल्लाह वहाँ से अपडेट लेके आप सब दोस्तों को अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह लाजमी। शेख साहब का छठा और सातवां कबूतर जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो छठा और सातवां कबूतर सामने आए हुए थे माशाल्लाह जी। उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी साहब का छठा कबूतर 6:50 पर बैठा है माशाल्लाह। दोस्तों शौक करें, पॉइंट्स नोट करें इस कबूतर में माशाल्लाह, बहुत ही शानदार कबूतर। तो दोस्तों कुछ मनाजर आपको उस्ताद अशरफ साहब की छत के राजूते आइए। माशाल्लाह ये कुछ मनाजर उस्ताद रियाज उस्ताद अशरफ भट्टी साहब की छत के। परवाज का टाइम जनाब यहाँ पे 8:00 लास्ट टाइम होता है। तो दोस्तों दुआ करें कि साहब को सातवां कबूतर भी सामने आया हुआ है और वो भी खैर खैरियत से घर बैठ जाए। जी लाहौर पिजन बहुत शुक्रिया सर। ये जी हमारे रियाज भाई जो यहाँ से साथ सबके साथ शौक करते हैं। जी वालेकुम सलाम रियाज भाई। माशाल्लाह जी कसूर की रिकॉर्ड परवाज बहुत ही शानदार परवाज माशाल्लाह, 6:50 पे छठा कबूतर और सातवां भी सामने आया हुआ है। ये जी कुछ दोस्त अहबाब जो शौक देखने के लिए आए हुए हैं। जी फहद राणा साहब क्या हाल है? फहद भाई इंजीनियर साहब कैसे हैं? ठीक है सर, सब खैरियत है सर? पाकिस्तान का चक्कर लगाए अभी नहीं? जी ये कुछ दोस्त अहबाब हैं जो के ये माशाल्लाह जो उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी साहब सातवें कबूतर को देख रहे हैं ऊपर। अच्छा एक और बात कि आपको दिखाऊं कि उस्ताद अशरफ साहब की छत के करीब करीब जाल कितने हैं, चिड़ी मार लोग कितने हैं? ये देखें, एक ये दो कट्ठे, तीन वो एक आगे, चार फिर उसके बाद ये देखें पांच, ये देखें जी, और ये देखें दो दो कट्ठे मुकाबले पे पड़े हुए। वाह एक ये है, माशाल्लाह जी
माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी उस्ताद मुबशिर भट्टी साहब का सातवां कबूतर भी बैठ गया और टाइम हो गया है 6:58। अब आगे दबाव की वजह से पीछे दब गया कबूतर। माशाल्लाह जी ये सातवां कबूतर 7:58। 6:58 सॉरी मैं देख 6:58 भाई। माशाल्लाह जी साहब जी बहुत बहुत मुबारक हो गए। आ गई सर मोर भी आ गई। माशाल्लाह जी उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी साहब का सातवां कबूतर बैठा है 6:58 पर। माशाल्लाह रिकॉर्ड प्रवास माशाल्लाह। उस्मान शानी भाई बिल्कुल 6:55 पर छठा कबूतर। माशाल्लाह जी रिकॉर्ड प्रवास आज की। नहीं मैं थले उतार दी, एक बार उतार लो थले क्योंकि फिर डर के उड़ना जाए। हवा ने वाकई हालत खराब कर देती। अब्दुल्ला करी जरा नहीं नहीं शेर हाँ दरअसल यार जल्दी में टैग नहीं हुई। माशाल्लाह जी उस्ताद अशरफ भट्टी साहब का सातवां कबूतर 6:58 पर। माशाल्लाह और हाँ जी उस्ताद जी 6:58 माशाल्लाह जी देखें सब दोस्त शोक करें 6:58 माशाल्लाह जी। जी दोस्तों माशाल्लाह उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी साहब का छठा कबूतर सातवां कबूतर बैठा 6:58 पर और इससे पहले छठा कबूतर बैठा है। माशाल्लाह जी इससे पहले छठा कबूतर बैठा इससे पहले छठा कबूतर बैठा 6:55 पर। 55 दे अब्दुल्ला 55 यार पहला 55 दे 8 मिनट। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी 6:58 माशाल्लाह जी। सर 15 मिनट पहले जोटा बखाने पे कोई इशू नहीं मोर चेक कराओ सर तुसी बस। माशाल्लाह जी ये कबूतर बैठा है 6:55 पर और वो दूसरा कबूतर 6:58 पर जो कि उस्ताद अशरफ साहब मुनसफ को मोर चेक करवाने के लिए गए हैं। माशाल्लाह जी रिकॉर्ड प्रवास हो गई है, दूसरी प्रवास भी रिकॉर्ड प्रवास हो गई है। उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला हाँ अब्दुल्ला अब 2 मिनट सानू भी दे दो हूं आज इधर आज आज जी। नाजरीन ये माशाल्लाह कबूतर बैठा 6:50 पर और ये कबूतर बैठा माशाल्लाह 6:58 पर। माशाल्लाह जी मतलब भाई बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह जी मुबारक हो जी दोस्तों ये कबूतर जो फर्स्ट बैठा ये बैठा 6:50 पर और ये कबूतर बैठा 6:58 पर। माशाल्लाह जी कमाल परवाज ही है। हाँ क्यों नहीं शेख इनको जरा शौक करवाएं ताकि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट करें दोस्त। माशाल्लाह जी देखें इसके आइस क्लोजअप का शौक करें। माशाल्लाह जी साजी 2 मिनट मन दे दो साजी। माशाल्लाह जी क्या बात है बोल रहा हाँ स्टैंप पे चेक करवाएं। ये जी स्टैंप पे देखें माशाल्लाह जी
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मतलब दूसरे पल्ले का भी शौक करवाएं। ये बड़ी मां सुबह ही मसले पे बैठी है, सदियों ने दुआओं ने सारा कुछ माशाल्लाह जी। ये कबूतर बैठा है 6:58 पर, जिसका अभी आइज क्लोज अप परों का शौक आपको करवाया हमने, तो इस पूरी कवश में मेरा साथ दे रहे हैं इस वक्त मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अब्दुल्ला भाई। ऊपर वाला कबूतर, ऊपर वाला कबूतर जो 6:50 पे बैठा है। मैनू तो खैर गैप होना जान दे रहे। हाँ जी इंशाल्लाह। साजी ने तुसी बाहर नहीं जाना, 2 मिनट सानू बाहर सानू दो। ये जी जो ये जो कबूतर 6:50 पे बैठा है उसका आइज क्लोज अप माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उस कबूतर ने पिछली प्रवास पे 6 बजे बैठा था माशाल्लाह जी। बोलो इस टाइम चेक कराओ जरा, वो सामने दूसरा पल्ला दिखाओ माशाल्लाह माशाल्लाह जी। दोस्तों कैसा लग रहा शौक आप सबको कमेंट्स में जरूर बताइएगा हमें माशाल्लाह जी। नाजरीन ये कबूतर 6:50 पर बैठा है और ये 6:58 पर रियाज भाई है। देखो रियाज रियाज तो जी दोस्तों ये हैं हमारे रियाज भाई, सर रियाज साहब, सर रियाज साहब शेख साहब जी माशाल्लाह जी। इनकी ये पूरी कोशिश मेहनत है जी माशाल्लाह, मेहनत है जी, इन चारों की मेहनत है माशाल्लाह जी। रियाज रियाज भाई एक दफा बाकी कबूतर भी छोड़ो जरा, 2 मिनट खामोशी अख्तियार करी देगा आसान हो ये बस बाद इंशाल्लाह फिर गपशप शुरू करने हैं। उतनी देर आप कबूतरों को शौक करें ये 2:50 पे ये पिछली बड़क जो है 6:33 पे बैठा है, 6:33 पे बैठा है पिछली बड़क। ये सारे कबूतर 6 के बाद बैठे थे माशाल्लाह। एक कबूतर जो था वो नहीं बैठ सका हमारा, तो इसकी तो दूसरी भड़क होगी ना जी जी। ये जो बैठा हुआ ठीक ये 58 पे बैठा ना, 6:58 पे जी जी, इसकी तो दूसरी 6 के पार होगी ना भड़क। बिल्कुल सपना उत्ते है वो जा वो एक ऊपर है वो आज दाना खा ले माशाल्लाह जी। जो ये जो कबूतर 6:58 पे बैठा है माशाल्लाह जी, अब्दुल्ला भाई देखें हमारे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त बहुत प्यारे भाई अब्दुल्ला खान जी, जफर फ्रॉम दुबई, खैर मुबारक भाई माशाल्लाह जी। उस्ताद अशरफ मोहम्मद बड़ी साहब की शानदार परफॉर्मेंस माशाल्लाह जी। छठा कबूतर 6:50 पे, सातवां कबूतर 6:58 पे माशाल्लाह, रिकॉर्ड प्रवास माशाल्लाह है जी। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद में फैसल एडवोकेट साहब, उस्ताद में फैसल एडवोकेट साहब जनाब उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी साहब अलमरूफ फोगी सिनेरा, उनका ये कबूतर बैठा है अभी 6:58 पर और ये कबूतर बैठा है 6:50 पर। ये 3 के लगभग बाकी कबूतर 3 के करीब बैठे हैं, 2 से बाहर बैठे हैं, 2 के बाद और 3 से पहले बैठे हैं ये कबूतर सर तकरीबन
और पिछली प्रवास इनके चार कबूतर छह के पार बैठे हैं, पांच कबूतर छह के करीब, मतलब चार बैठ गए थे जी जी, तो एक कबूतर जो वो नहीं बैठ नहीं बैठ सका, उनमें से चार में से ये भी था, एक ये था, ये पिछली प्रवास छह के पार, हाँ जी छह के पार, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पिछली प्रवास छह के पार, ये था एक, वो था एक, वो मादी थी, ये जो छह के पार बैठे हैं, चार कबूतर ये बैठे हैं, एक दो तीन चार, पांचवा कबूतर बैठ नहीं सका, माशाल्लाह जी रिकॉर्ड प्रवास आज की, पिछली प्रवास भी रिकॉर्ड प्रवास जी बिल्कुल, लगातार दो प्रवासें रिकॉर्ड प्रवास है माशाल्लाह। ये आज कबूतर, ये कबूतर दोस्तों बैठा है 6:58, ये 6:50 पर, और ये कबूतर बैठा है हाँ जी 6:58 पर माशाल्लाह। पिछली प्रवास भी इसकी 6 बजे जी जी माशाल्लाह, पिछली माशाल्लाह जी, ये 1.5 के लगभग बैठे, ये काफ़ी एज की होगी मुरा मादी, काफ़ी पुरानी होगी, लाल अंक वाली पूरी जालदार जी सर साहब, स्पेशल शौक आपके लिए माशाल्लाह जी, ये कबूतर साथ सिर्फ बैठा है अभी 6:50 पर, ये वाला, और इन दोस्तों को दिखाते हैं जो जेड के लिए बनाए हमने तैयार किए थे, वो नहीं उड़े, ये कबूतर है जो अभी बैठा है 6:58 पर जी, क्यों नहीं अब्दुल्ला खान को बुलाते हैं, कुछ चंद उनको बुला को शौक करें जो आपने जेड के लिए रोके हुए थे लेकिन नहीं उड़ाए, नहीं उड़ाए जी जी, क्यों नहीं दोस्तों को जरूर शौक करवाए उनका, अब्दुल्ला काम, अब्दुल्ला इधर आओ यार, बना लेने आ जा, दोस्तों गौर से इन कबूतरों को देख लें, ये वो कबूतर हैं जो उस्ताद ने जेड की सिलेक्शन नहीं की थी लेकिन इस बार जेड में उड़ा दी है, जो उस्ताद की जेड की सिलेक्शन है अभी आपको वो दिखाने लगे हम, मौसम की नरमी की वजह से इनको आगे लाया गया, नरमी की वजह से डाले हैं इनको आगे लाया गया, और वो जो जेड के लिए तैयार किए थे कबूतर उनको पीछे रोक लिया गया माशाल्लाह जी। आज की रिकॉर्ड प्रवास उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी साहब की, माशाल्लाह जी एक कबूतर छठा, छठा कबूतर 6:50 और सातवां कबूतर 6:58 पर, यह कबूतर 6:58 पर माशाल्लाह, और यह कबूतर पिछली प्रवास भी 6 के बाद ही बैठा था, अब्दुल्ला 6:50 से ये बैठा ना, ये वाला माशाल्लाह जी 6:50 पर। सर कप सामी फैसल साहब आपका दूसरी बार मैसेज आ गया, कप में क्या पोजीशन है आपको पता, अभी तो कबूतर बैठे अभी एवरेज एवरेज निकालेंगे तो कुछ ही कुछ देखेंगे फिर इंशाल्लाह, 70 से ऊपर इनके घंटे बन गए आज, कल भी 70 थे, हाँ आज हाँ। कबूतर नहीं बैठ सका, कल एक कबूतर नहीं बैठ सका और 70 आज भी 70 घंटे, हाँ फैसल भाई इंशाल्लाह आपको अच्छी न्यूज देंगे इंशाल्लाह। महिला जी ये मेरी मोस्ट फेवरेट फीमेल है साशिर मोहम्मदी साहब के घर की, ये फीमेल है काफी एज की हो गई है, ये सपना 9 साल से लगातार उठ रही है, 12 साल इसकी एज होगी, टोटल एज 12 साल है इसकी, एज देखें जी, सपना मादी का शौक करें, ये दोस्तों एक बार आप दोबारा तमाम कबूतरों को देख लें तो फिर इंशाल्लाह, अभी ये वो कबूतर हैं जो जेड के लिए सिलेक्ट नहीं थे, इनको पीछे रखा गया था तो मौसम को नरम देखकर इन कबूतरों को आगे लाया गया, तो अभी आपको वो कबूतरों को उन कबूतरों को शो करवाते हैं कि जो जेड के लिए रोके गए थे, जेड के लिए तैयार किए गए थे लेकिन नरम मौसम देखकर उनको रोक दिया गया था माशाल्लाह जी, बहुत ही शानदार कबूतर है, हर तरह से मुकम्मल कबूतर, हर तरफ से मुकम्मल कबूतर माशाल्लाह। तो जी दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, कभी कभी ऐसे कबूतर देखने को मिलते हैं और इतने करीब से, एक दफ़ा वकार भाई जेट वाली सिलेक्शन भी दिखा दें, हाँ हाँ जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ एक बार जो इधर ये दिल भर के मैं दिखा लूँ एक बार, ये चले आए इस तरफ जी दोस्तों, आपने ये वो कबूतर देखें जो इस साल जेड में 6 के पार लगातार परवाजे दिए जिन्होंने दो,
तो आपको अब ये कबूतरों को इन कबूतरों को शो करवाते हैं कि जो मौसम की नरमी की वजह से इनको रोक लिया गया था। पिछले जेठ में ये भी बच्चा था चार गली का। जी जी सर जी। और ये बच्चे थे जो जब वो टेम्परेचर पड़ रहा था ना 47-48, जी जी, तो ये 4-5 बजे मोर लगा के कप में उड़ रहे थे माशाल्लाह जी। और ये था जी दोस्तों, ये हैं उस्ताद आसिफ मोहम्मद बड़ी साहब के प्रवासी कबूतर, जो कि इस साल जेठ की नरमी देकर इनको रोक लिया गया था ताकि ये नेक्स्ट ईयर काम आ सकें, क्योंकि इतने नरम मौसम में ऐसे कबूतरों का बैठना मुमकिन नहीं है। ये जो 47-48 टेम्परेचर था ना, जी सर जी, तो ये 3 गली का 4 गली का बच्चा था, वो वाला जी, 4 गली का बच्चा था। माशाल्लाह। ये सेकंड ये भाई हैं दोनों। अच्छा माशाल्लाह जी। तो इनको नहीं छोड़ा, इनको 2-3 फटके ली इन्होंने, जी जी, लेकिन इनको बंद कर दिया गया क्योंकि ये बैठने नहीं थे, इनकी प्रवाज नहीं पूरी होनी थी। एक ये था 5 नंबर, कौन सा ये भी बच्चा था जी जी पिछले जेठ में माशाल्लाह जी। तो अब जो इनको नहीं निकाला क्योंकि मौसम की, बहुत ही शानदार कबूतर। और दोस्तों आपको एक बार फिर अपडेट करता जाऊँ कि कसूर से छात्र उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी साहब के, जो कि शागिर्द हैं उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के, तो उस्ताद चौधरी सखी पार्टी की ये छात्र है, तो यहाँ पर कबूतर बैठा है छठा कबूतर बैठा है 6:50 पर, और 7वां कबूतर बैठा है 6:58 पर। माशाल्लाह जी, रिकॉर्ड परवाज है और बहुत ही शानदार परवाज है पिछली, और कबूतर पूरी फिटनेस में बैठे हैं। पिछली परवाज में जो था हमारा दूसरा कबूतर था वो 3:57 पे अब्दुल्ला भाई, 6 बजे वो दो मुझे वो दें दे बुला दें अब्दुल्ला भाई आपको दूसरी परवाज जो मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ मैं, कि दूसरी परवाज उस्ताद की रिकॉर्ड परवाज थी कसूर की, बहुत ही शानदार परवाज थी माशाल्लाह। और दोस्तों इस वक्त हम आपको उन कबूतरों का शौक करवा रहे हैं जो जेठ की नरमी देख कर जेठ ठंडा देख कर रोक लिए गए हैं, अगर ये होते तो ये बैठना नामुमकिन था ऐसे टेम्परेचर में। माशाल्लाह जी, दोस्तों शौक करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कम ही ऐसे कबूतर इतने करीब से देखने को मिलते हैं। तो जी ये आ गया दूसरी परवाज का रिजल्ट उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी साहब ऑफ कसूर का। पहला कबूतर 11:33 पर, दूसरा कबूतर 3:57 पर माशाल्लाह जी, और तीसरा कबूतर 5:59 पर, उसके बाद चौथा कबूतर पूरे 6 बजे माशाल्लाह, फिर 5वां कबूतर पूरे 6 बजे, छठा कबूतर 6:33 पर माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, यानी कि 1 मिनट कम 6 बजे, 1, 2, 3, 4 कबूतर 6 बजे माशाल्लाह जी, क्या बात है। एक कबूतर बैठ सकता, सामने रात रह गया, एक सामने रात माशाल्लाह जी। चलो एक बार फिर आपको उन कबूतरों को शो करवाते जो इस बार जो अभी बैठे हैं 6:00। ये माशाल्लाह जी, ये कबूतर बैठा 6:58 पर माशाल्लाह जी, रिकॉर्ड परवाज है। हाँ जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह कैसे हाथों से खेल रहे हैं। बैठा ना हाँ, ये कबूतर बैठा 6:58 पर, और ये कबूतर बैठा 6:50 पर। ये पिछली में भी जो ना 6 बजे बैठा था, पूरे 6 बजे। अच्छा ठीक माशाल्लाह जी, ये कबूतर आज 6:58 पे बैठा है, पिछली परवाज पूरे 6 बजे बैठा था माशाल्लाह जी। शानदार और रिकॉर्ड परवाज उस्ताद अशरफ मोहम्मद भट्टी साहब की छत से लाइव आपकी खिदमत में हाजिर है। हाँ जी चलें, अब यहाँ पे मौजूद है हमारे प्यारे दोस्त अब्दुल्ला भाई, कुछ गपशप इनसे हो जाए। आपको कबूतर दोनों तरह के दिखा दिए हैं माशाल्लाह जी, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारे भाई मेरे, जो कि हर तरह में सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं मेरे साथ, तो आई कुछ गपशप इनसे हो जाए जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं? अब्दुल्ला भाई कैसी रही आज की परवाज, कैसी लगी आपको? आउट क्लास परफॉर्मेंस आपके सामने है माशाल्लाह जी, तारीफ के काबिल है, और कमेंट्स में भी सब दोस्त बहुत अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं, और
सब दोस्त मुबारकबाद दे रहे हैं आपको भी उस्ताद आशिफ साहब को भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह उस्ताद जो है कि बेहतरीन एक खिलाड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं बिल्कुल। और ये इस चीज़ का सबूत है कि बिल्कुल आपने दूसरी फड़क भी देखी है, तीसरी फड़क भी देखी है, माशाल्लाह कमाल हो गए। तो पहली फड़क तो वैसे मौसम इतना खराब था कि बिल्कुल मौसम देख ले, सब गई, तीन दिन ही लगातार मौसम खराब है। जी जी। आज कुछ कबूतरों को अपनी टाइम मिला दिखाने का टाइम मिला। जी जी। तो माशाल्लाह आपके सामने परिंदे उड़ के बैठे हैं, माशाल्लाह जी तो कमाल देख ले कि अचानक मौसम खराब होना शुरू हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है घर बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ इस चीज़ की मुबारकबाद भी देते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। जी जी। तो उस्ताद के भी थोड़े से शुरू हो जाने, शुरू है ना, पहले इनके व्यू ले लेना। जी जी माशाल्लाह जी, उस्ताद अशरफ भट्टी साहब और अब्दुल्ला खान साहब कसूर एक साथ, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, सन मुबारकबाद दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल गल है कि मुफ्त से एक छोटी जी गल करा, मेहनत कामयाब होगी, बेशक मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी मिलेगा, असं मेहनत की बिल्कुल सर। साढ़े मेरा शागिर्द रियाज जो मुआवजी करता है। जी जी सर जी। तो भी संभालता है। हाँ जी। तो मेहनत की है तो सू रिजल्ट भी मिल गया, माशाल्लाह। बहुत चीज़ इसमें प्लस पॉइंट होता है कबूतर की संभाल। हाँ जी। जो माशाल्लाह रियाज भाई बाखूबी समझता है। जी जी। और उन कबूतरों को आए कबूतर का मिजाज समझ के उसकी संभाल पूरी करके, पानी पूरा करके, उसकी खुराक पूरी करना। जी जी। फिर कबूतर माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखते हैं। सिर्फ यही चीज़ है कि ये नहीं है कोई मेडिसन, कोई ये चीज़ कबूतरों को उड़ाने के लिए जरूरी है। जी। आए कबूतर के साथ आप मोहब्बत करें, कबूतर आपकी इज्जत रखेगा, जो इज्जत है वो नहीं बिल्कुल। तो ये चीज है कि परिंदों से जितना प्यार मोहब्बत करेंगे ये इंशाल्लाह उससे ज्यादा ही आपको रिटर्न देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह रियाज भाई हर तरफ से समझदार है, इन्होंने जितनी खिदमत की है परिंदों की कोई शक नहीं, बाकी उस्ताद का माशाल्लाह जो दाना पानी है इसमें भी कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल माशाल्लाह। माशाल्लाह जो रियाज भाई है आपको खुद बताएंगे। जी जी रियाज भाई, रियाज भाई आज की कबूतरों की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पंजाबी में जरा रियाज भाई? मजा आया भाई, बड़ा मजा आया, माशाल्लाह पाक ने बड़ी तरीके से खेला, अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, पाक का शुक्र है भाई। जी जी माशाल्लाह। और जी रियाज भाई माशाल्लाह तारी पिछली परवाज भी रिकॉर्ड परवाज है माशाल्लाह, आज भी इकट्ठे दो जोटे बैठा माशाल्लाह, भी बहुत ही अच्छा परवाज है माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे कोई इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। आगे भी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह जो भी शौक हो तो इंशाल्लाह पूरे जोशो खरोश के साथ ये छत इंशाल्लाह आगे आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह के कोशिश करने पे हैं कि अल्लाह करम करेगा साडी छत पे सिटी दे विच। जी मैं ऊपर रिव्यू बताया एसपीडी दरमियान से सब बड़ी प्रॉब्लम, मैं रिव्यू पूरा दिखाया ऊपर छत जाल दिखाए ना साथ, ये इंशाल्लाह तआला कोशिश कर रहे हैं बाहर छत ले आइए फिर इस तो भी बेहतर छाना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी। और बाकी शुक्रिया जिंदा सारा शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक सानू, मुबारक जिन्होंने खुशी नाल सानू मुबारक पेश की, उन्होंने भी मुबारक मेरी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। चले ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाज़त, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसी तरह बेहतरीन शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। माशाल्लाह जी मेरी तरफ से अब्दुल्ला भाई आपको बहुत बहुत मुबारक, उस्ताद साहब को भी मुबारक, खैर मुबारक जी खैर मुबारक, हमारी अपनी घर वाली छत है, हमारी अपनी छत है, तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह नेक्स्ट भी उम्मीद ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के रिकॉर्ड परवाजें हम यहाँ से देखते रहें, और अल्लाह पाक सबकी सेहत तंदुरुस्ती रखे। माशाल्लाह जी आज कसूर की बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छी रही है, माशाल्लाह उस्ताद अशरफ भट्टी साहब का छठा कबूतर बैठा है 6:50 पर, सातवां कबूतर बैठा है 6:58 पर, माशाल्लाह जी इस शानदार परफॉर्मेंस पर हम महाना उड़न कबूतर कसूर की तरफ से उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, तो आइंदा भी इसी तरह की परवाजों की उम्मीद रखते हैं इनसे। तो इसी के साथ मैं आप सब दोस्तों से चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।